हेलो गाइज, मई साल पार के विक्रम वर्मा, स्वागत है आपको द ट्रेडर शो चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हैमर, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हैमर बहुत ही मतलब एक कंफर्मेशन वाला या फिर ट्रस्टेबल या विश्वसनीय कैंडल माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम बार लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इस ट्रैप से कैसे बचें, क्या हैमर का किस तरीके से एंट्री हो सकता है, क्या हमें एंट्री मिलने के बाद भी रिवर्सल मिल जाता है, या फिर हम लोग जैसे कन्फर्मेशन मिलता है एंट्री लेते ही मार्केट नीचे चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स इस वीडियो में मैं अभी बताने वाला हूँ, तो पूरा अंतिम तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हैमर का फॉर्मेशन अगर सपोर्ट में बनता है तो हम लोग एंट्री तुरंत से ले लेते हैं, या फिर उसके बाद एंट्री लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये रिवर्स आ गया या लॉस होने लगा, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे बचे। तो सबसे पहली बात की देखिए, कंटिन्यूस अभी मार्केट ओपन हुई 17 तारीख को ये वाला कैंडल और नीचे आ रही है, फॉल कर रही है, एक मूविंग एवरेज है हमारा 9 मूविंग एवरेज, जिसके बिलो मार्केट नीचे जा रही है, राइट। अब देखिए यहाँ एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, डिस्टेंस से अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए हमारा 14 तारीख का एक ओपनिंग है, 16 तारीख का एक ओपनिंग है, एंड ये हमारा आज का यहीं पे लो लगा करके अभी टाइम पास कर रहा है एंड हैमर बनाया है। तो ये हैमर का फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे बना है तो हम लोग एंट्री जो है मान के चलिए कि अगर यहाँ भी ले भी लेते हैं, जैसे कि आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि हैमर के जस्ट बाद अगर नेक्स्ट कोई ग्रीन कैंडल या उसके ऊपर कोई क्लोजिंग दे तो हमें यहाँ एंट्री बनाना है और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। तो अभी अगर देखा जाए तो जस्ट उसके बाद का जो कैंडल है वो ग्रीन ना बन के, है ना, ग्रीन ना बन के रेड बना है, ओके। तो सबसे पहला कंफर्मेशन है कि मेरे को यहाँ एंट्री नहीं लेना है, और दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट अगर कैंडल बाय चांस कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है, एमआर के ऊपर क्लोजिंग भी दे देता, तब भी हम लोग यहाँ एंट्री नहीं लेते, क्यों? तो इस ट्रैप से बचने के लिए क्या करना होगा? ये ट्रैप हमें जो हो रही है, हम लोग तो तुरंत से हैमर देखते ही, क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में तुरंत से यहाँ हैमर पे हम लोग एक कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे और मार्केट हमें ट्रैप करेगा। तो यहाँ ट्रैप करने का हाई पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सेलिंग जोन पे है, सेलिंग में है ना, सेल ऑन राइज है, ओके। अब क्या है कि जैसे ये हैमर का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है तो नेक्स्ट कैंडल तो हमें कंफर्मेशन नहीं दिया, बाय चांस अगर हम लोग एंट्री लेते हैं इसका स्टॉप लॉस लगा करके तो मार्केट मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका एसएल हिट करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। देखिए जस्ट वैसे ही कुछ बिहेव कर रहा है, अभी ये कैंडल ग्रीन था लेकिन रेड में फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरी चीज कि अगर अब हैमर का कंफर्मेशन चाहिए होता या कहीं ऊपर साइड का ट्रेड लेना भी है तो देखिए एक 9 मूविंग एवरेज नॉर्मल जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जस्ट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता तब हम लोग इस हैमर के साथ मतलब बैठे रहते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करते। अगर ट्रैप से बचना है तो इस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट को, कैंडल के सेंटिमेंट को, चार्ट के सेंटिमेंट को समझना होगा आपको। और अभी जिस तरीके से ये देखिए एक फॉर्मेशन एक बॉक्स में बना रही है, मार्केट टाइम पास कर रही है, अगर ब्रेकआउट देती है तो जाहिर सी बात है कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा, ब्रेक डाउन देगी तो जाहिर सी बात है कि हैमर का स्टॉप लॉस हिट होगा, हम लोग सेलिंग साइड में प्लान करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग हैमर पे ट्रेड करना है। जब भी हैमर बने ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना तो हम लोग एंट्री बनाए, लेकिन एंट्री बनाने के बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया बाद में, है ना। तो इस तरीके से हैमर आपको दिखे कहीं पे तो हैमर पे आपको ट्रेड करना है। देखिए यहाँ जस्ट देखिए हमने अभी क्या बताया कि हैमर जैसे ही बनेगा, हैमर के बाद ना नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यही हमारा कन्फर्मेशन कैंडल होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री। उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है, वन वे मतलब मार्केट ऊपर चला गया है। अभी क्या है कि अब देखिए यहां कंफर्मेशन मेरे को दो कंफर्मेशन मिला मूविंग एवरेज के साथ, कि देखिए जैसे हैमर बना, हैमर के जस्ट ऊपर देख रहे हैं ये मूविंग एवरेज है जो पतला सा गया है, हैमर के जस्ट ऊपर जाकर के ये कैंडल क्लोजिंग दिया तो मेरे को पहला तो एक हैमर मिला, पहला हैमर मिला, दूसरा मूविंग एवरेज मिला जो कि हमें कंफर्मेशन दिया कि मूविंग एवरेज के ऊपर अब हम क्लोज हो रहे हैं, मार्केट सेलिंग में था, नीचे जा रहा था, मार्केट यहाँ एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर निकल रहा था, और जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ क्लोजिंग दिया हमारी एंट्री यहीं बनेगी, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। अब जो सेफ प्लेयर है वो क्या करेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना लेकर के मूविंग एवरेज के बिलो जैसे ही मार्केट निकले वहीं एग्जिट, जैसे यहाँ
यहाँ एग्जिट हो गया हमारा पोजीशन, राइट। तो हम यहाँ से यहाँ तो ट्रेल किए ना, प्रॉफिट एंजॉय किए ना। तो इस तरीके से कैंडल और चार्ट के सेंटिमेंट को आपको समझना होगा मार्केट में, तभी जाके आप पैसा बना पाएंगे। देखिए अभी जस्ट बिकॉज मैं ये बता रहा था ना कि ये हैमर हमें एंट्री नहीं दिया है, ये यहाँ पे सेलर काफी मात्रा में बैठा हुआ इस जगह पे, और ये सेलर हम लोग को यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। और देखिए यहाँ एसएल हिट कर दिया, अब जो इस हैमर पे बैठा होगा उसका एसएल हिट हो गया। अब हमारी प्लानिंग क्या होगी, अब हमारा ये सेलर वाला एरिया है तो हमारा यहाँ एक स्टॉप लॉस होगा, और अगर इसके बिलो अगर मार्केट जाती है तो हम लोग यहाँ से एक पुट का मतलब एक सेलिंग का हम लोग ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज यहाँ अभी जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग है, हो सकता है कुछ देर साइडवेज सिनेरियो भी दिखा सके। तो हम लोग इस तरीके मार्केट को मतलब कवर करना है, इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है सारी चीजों को समझते हुए, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, तभी आप हैमर के ट्रैप से बच सकते हो। अदरवाइज आपको हैमर ट्रैप ही करने के लिए आता है, बस हैमर का ट्रैप को समझना होगा आपको, फिर पैसा बनना जाहिर सी बात है कि आपका पैसा फिर बनेगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको लर्निंग अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी चीज़ें जानना पूछना हो तो कमेंट करके जरूर छोड़िएगा अपना कमेंट। और अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलआईसी ब्लू और अपस्टॉक का लिंक है, जाइए वहां से अपना अकाउंट ओपनिंग करिए और हमारे लर्निंग ग्रुप में भी जुड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। देखिए मार्केट सेलिंग में जा रहा है, वाओ अमेजिंग। तो जाते जाते मार्केट ने स्टॉप लॉस भी हिट किया और बढ़िया से नीचे जा रहा है, ये हमारा सेंटिमेंट था हैमर का, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट था लेकिन फिर भी हम लोग कॉल के साइड में एंट्री नहीं बनाया, बस रीजन यही था। तो ये सारी चीजों को मैं पहले डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू।